जय श्री राधे। वेलकम टू रेंगेस्ट्रो। राहु का क्षेत्र आपके हथेली में काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। यहाँ पे अगर कुछ सुंदर चिन्ह उपस्थित हो, सिंबल अगर हो तो ये आपके जीवन में बेहतरीन दिनों को दिखाने का काम करते हैं, आपके जीवन में मिलने वाली सफलताओं को भी दिखाने का काम करते हैं, आपके जीवन की स्थिरता को भी दिखाने का ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वहीं पे कुछ इनेमी सिंबल्स आ जाएं, कुछ यहाँ पे क्रॉस के साइन आ जाएं, तो कई दफ़े क्या करती हैं कि हमें उलझा देती है, हमारे जीवन को थोड़ी सी स्ट्रगल की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, या छोटी छोटी अड़चने हमारे साथ हमेशा बनी रहती हैं। तो सबसे पहले कुछ अच्छी स्थितियों को देख लेते हैं। जैसे सीधी कड़ी स्थिति, जब भी यहाँ पर रेखाओं की हो, सो स्पष्ट रेखा की स्थिति हो, अस्थाई यहाँ पर राहु का यह सिंबल हो, यह हर तरीके से जातक के लिए काफी सुंदर होता है। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगों को स्पष्ट करने का काम करता है, आपके जीवन में उतारने का काम करता है और जीवन में आपकी तरक्की के लिए अत्यधिक योगदान करता है। वहीं अगर इस क्षेत्र में तिल की स्थिति बनती है तो भी जातक के लिए, हालांकि उसकी अलग अलग स्थिति होती है, हाथ की प्रकृति के अनुसार उसका लाभ आपके जीवन में कई दफे देखने को मिलता है। हालांकि ऊपरी क्षेत्र में होने से यहाँ पे आपके लाभ की स्थिति बनती रहती है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो गहराई यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर अगर बनती है और इसके ठीक पीछे पीठ पीछे अगर कछुए की पीठ जैसी स्थिति, यानी कि काफी उभार के जैसी स्थिति दिखती है, तो उसे सम्राट योग के रूप में जाना जाता है। ऐसा काफी दुर्लभ होता है, लेकिन जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है वो शास्त्र संपन्न, अर्थ के तौर पर संपन्न, ज्ञान संपन्न, हर तरीके से वो अपने जीवन में सर्वगुण संपन्नता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के साथ में बनती हुई आपके लिए त्रिभुज की स्थिति बनती है, ये भी आपके लिए जो इस जीवन में जितनी भौतिक सुविधाएं हैं, चाहे वो घर गाड़ी हो, इन सब की संपन्नता की स्थिति को दर्शाने का काम करती है, आर्थिक तौर पे आपकी उन्नति को दर्शाने का काम करती है। यहाँ पर अगर आपके लिए स्क्वायर का सिंबल बन जाए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में आपकी निश्चित सफलता की स्थिति को स्पष्ट कर देती है। ये आपके लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी की जो स्थिति है उसे स्पष्ट करने का काम करती है। जिस भी काम को करोगे समझ जाओ उसमें अब आपको सफलता मिलने वाली है और सही तरीके से चीजें आगे बढ़ जाएगी। जीवन में खुशहाली की स्थिति को भी दिखाने का काम करते हैं। अब यहीं पर इस क्षेत्र में जो एक बड़ा सा क्रॉस होता है, ये इस जो पूरे प्रकरण है इससे बिल्कुल अलग है। इसे आप राहु के जो हम रेखाएं बताएंगे उसमें मत लेना, क्योंकि जब भी ये पूर्ण तौर पर होता है इसका अलग प्रभाव आपके जीवन में मिलता है। इससे संबंधित कई सारे वीडियोज हैं हमारे चैनल पे, जिसे देख के आप इसके बारे में स्पष्ट समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर अन्य जो खास चिन्ह है उनके संबंध में। जैसे कि मान लो कुछ रेखाएं आई आपस में इसे जोड़ के ऊपर की तरफ चली गई, जब भी ऐसी स्थिति होगी और कोण नीचे की तरफ होगा तो ये आपके लिए इमोशनल ब्रेकडाउन की स्थिति को दर्शाती है, जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। वहीं यहां से अगर ऊपर की तरफ करके ऐसा होगा तो ये आपके लिए अत्यधिक सुंदर है। हालांकि भावुकता आपको देगा अगर ये स्पष्ट तौर पर आपकी जो हार्ट लाइन है इससे अगर मिल रही है और इसकी एक शाखा के रूप में नीचे झुक रही है तो ये क्या करेगा, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा, अपने लोग आपको बहुत ज्यादा धोखा देंगे, खुद की गलतियों के कारण आप अपने जीवन में बड़े नुकसान की तरफ बढ़ेंगे, कई बार आर्थिक संकट भी आपके जीवन की तरफ आएगा, जिस पर भरोसा करेंगे वही धोखा दे देगा, ऐसी स्थिति को बढ़ाता है। लेकिन अगर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अगर नीचे की तरफ झुकता है तो ऐसी स्थिति में आपको उन्नति के योग यहाँ पर प्राप्त होते हैं और जीवन में तरक्की जातक को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिंबल के जो कि बेहतर नहीं होते। अब मान लो यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे क्रॉस बन रहे हैं इस एरिया में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे, तो ये आपको जीवन में जो एक लंबी छलांग लेना चाहोगे ना उसमें हमेशा बाधा ये बनेगी, कुछ न कुछ परेशानियों को हमेशा क्रिएट करती रहेगी, जिसके लिए सब कुछ करोगे वही सबसे बड़ा विरोधी आपका हो जाएगा, आपके लिए हमेशा गड्ढे को खोदने की कोशिश करेगा, मतलब हर तरफ से कुछ न कुछ चुनौतियां रहेगी। उन सबके बीच में आप अगर जी रहे हो, चल रहे हो, तो इसके लिए आप देख लेना गुरु का निश्चित तौर पे अच्छा होगा, सूर्य का यहाँ पर सपोर्ट होगा, बुध की स्थिति अच्छी होगी और बुध की रेखा टूटते हुए ही सही लेकिन आगे की तरफ बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब इतनी मुसीबतों के बाद भी आप सबको झेलते हुए आगे बढ़ रहे हो और जीवन में छोटा मोटी सफलता यहाँ पर आपको मिलती भी रहती है। लेकिन ऐसी स्थिति जब बन जाएगी तो जीवन आसान नहीं रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी आपके साथ हमेशा बनी रहती है। अब यहीं पर यव रेखा की स्थिति बन जाए, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे गेहूं के दाने के जैसे यहाँ पे आ जाए, छोटी छोटी रेखा ऐसे बिल्कुल वो बैक्टीरिया के टाइप यहाँ पे दिखने लगे, ऐसा ऐसा हो जाए, ठीक है, ये सारी स्थिति है ना छोटे छोटे समय की, हफ्ते भर की, महीने भर की, दो महीने की परेशानियों को दिखाती है, जिससे कि आपका आप मानसिक तौर पर अशांत रहेंगे, स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं
ही रुकावट की तरफ बढ़ेगा। इस तरफ होने से क्या होगा, प्रतिष्ठा, आपके जीवन, आपके सम्मान, इन सबको ठेस पहुंचेगी, स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस तरफ जैसे ही आएगा वो अलग प्रकार से टेक्निकली या विभिन्न तरीके से दूसरे के माध्यम से आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे, बिना कुछ किए यहाँ पर समस्याएं आपकी तरफ बढ़ेगी, किसी की बात में कभी कुछ बोला नहीं और दो की लड़ाई में तीसरे आप पिस गए, तो ऐसी स्थिति को दिखाएगा। आर्थिक तौर पर बड़े झंझट को दिखाएगा, स्वास्थ्य के दृष्टि से कुछ सर्जरी टाइप नुकसान की स्थिति की तरफ लेते हुए चला जाएगा। इसके अलावा चोरी चकारी वगैरह जैसी चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी, तो ऐसी चीजों को दिखाने का काम करता है। हालांकि इन सब के प्रभाव बृहद रूप से जब आप अपनी हथेली का पूर्ण विश्लेषण में जाते हैं, जब अपनी हथेली है, तो इसके संबंध में आपको पता चलता है। यहाँ पर मोटे तौर पे जो सांकेतिक जो प्रभाव है उसे आप समझ रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में अगर आपको नीचे के क्षेत्र में, यानी कि जो मस्तिष्क रेखा है, नीचे के क्षेत्र में अगर कुछ ऐसी ऐसी रेखाओं की स्थिति समझ में आ जाती है, तो इसमें भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं इन सब के सहयोग से बनने वाले किसी प्रकार के स्क्वायर या चतुर्भुज की स्थिति या महालक्ष्मी स्थिति जो बनाती है, यानी कि धन भंडार की स्थिति बनती है, उसके संबंध में। तो जब भी ऐसी रेखा बनेगी जो आपस में बिल्कुल एक दूसरे से मिली हुई हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं भी बुरी रेखाओं की स्थिति न बन पड़ी हो, तो ये आपके लिए एक आर्थिक समृद्धि को दर्शाने का काम करती है, जिसमें महालक्ष्मी योग का योग बनता है। और जातक अपने जीवन में काफी मात्रा में धन एकत्र कर पाने में सफल होता है। विभिन्न अलग अलग माध्यमों से जातक को धन की प्राप्ति होती है। जातक को अपने संबंधियों से, अपने जो बेटर हाफ होते हैं उनसे भी संपत्ति की प्राप्ति होती है, और साथ ही ऐसे लोगों की जो संतान है वो भी अपने जीवन में सफलता का परचम लहरा के विभिन्न प्रकार से उनके जीवन को तृप्त करने का काम करती है। तो ऐसे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अब मान लो किसी के मस्तिष्क रेखा ऐसे निकली है, ठीक है, और यहाँ पे आके खत्म हो गई हो, जैसे मान लो यहाँ पे आई, ठीक है, खत्म हो गई, नीचे से कोई बुद्ध की रेखा निकली, उसने इसे ऐसे कर दिया, ठीक है, इधर से आ रही है जीवन रेखा। अब इस तरफ के कोण वाला आएगा तो देखना, पहले मंगल की स्थिति अगर यहाँ पे अच्छी होगी, प्रबल होगी, तो ऐसे में क्या होगा, जातक अपने बुद्धि बल से, अपने बाहुबल से अपने जीवन को बड़ी उन्नति की तरफ ले जाएगा। और अगर ये दोनों अच्छे नहीं हुए, यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कहीं ना कहीं मन में कामुकता का भी वास हो जाएगा, पैसे आएंगे लेकिन भोग विलास में बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसके प्रभाव आपके जीवन में पड़ते हैं। अब मान लो यहाँ बीच से भाग्य रेखा निकल गई, अब क्या हो गया, इधर एक अलग कोण बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, आपको विभिन्न प्रकार की तरक्की की स्थिति को दिखाएगा। धन यानी विभिन्न माध्यमों से जातक क्या करेंगे, धन उपार्जन की कोशिश करेंगे, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए। अब मान लो शनि की पूरी ऊपर की तरफ गई, अब इसमें थोड़ा भी रेखाओं का भटकाव अगर इधर सूर्य की तरफ आ जाए, शनि का, माफ कीजिएगा, गुरु की तरफ चली जाए, तो ऐसे में जातक चाहेगा कैसे भी करके हम धन प्राप्त कर लें, ठीक है, वो एक अलग स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक छोटी सी रेखा का इधर से उधर होना पूरे जो आपका विश्लेषण है, जो प्रेडिक्शन है, जो आपका भविष्य है, उसे बदल देने का काम करता है। तो इसे काफी सावधानी से समझने की जरूरत है। मोटे तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।